अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंजीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बैनर किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इस बैनर को मैंने पिक्सल लैब ऐप से बनाया है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ, या तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब ऐप को ओपन कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले इसको जो है ऊपर से डिलीट कर लेना है। इसको डिलीट कर लेने के बाद आपको ऊपर सामने जो है थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है एक इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है 1280 है तो यहाँ पे जो है 1480 दे देना है, और यहाँ पे जो है 720 दे देना है। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे वेट और हाइट डाल दिया, इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपके सामने ये साइज़ आ गया है। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे चले आना है और ये जो बैकग्राउंड वाला ऑप्शन दिख रहा है इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है एक कलर सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला कलर जो है ग्रेडियंट में आकर के सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन कर देने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद आपको यहाँ पे जो है इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से मैं कुछ चीज़ें बाहर से इस्तेमाल करूँगा, तो जिस चीज़ों को मैं बाहर से इस्तेमाल करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपके पास टेलीग्राम ऐप का होना ज़रूरी है। आपके पास टेलीग्राम ऐप होगा तभी डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि इस सब चीज़ों को मैं टेलीग्राम ऐप पे डालने वाला हूं। तो क्या करना है, सबसे पहले ये जो लाइट वाला दिख रहा है इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से थोड़ा सा छोटा कर लेना है और इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इस पर टच करना है। टच करने के बाद इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इसका ताला लॉक कर लेना है। फिर इसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे ओके करना है। इसके बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट में चले आना है। इंपोर्ट में चले आने के बाद आपको यहाँ पे ये जाली वाला दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है यहाँ पर ये यूट्यूब साइज़ दिख रहा है, इस पर ओके कर लेना है। इस पर ओके करेंगे तो ये इस साइज़ में सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन कर देने के बाद भी जो है पकड़ के इस तरीके से बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है एक इरीज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है। इसको बढ़ा लेंगे तो ये जो है इसका भी बैकग्राउंड इरीज हो गया है। इसके बाद यहाँ पर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पर चले आना है और इसका ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर लेने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पर ओके करना है और फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं पर्दा ले लेता हूँ, तो इस पर्दा को ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको जो है इस तरीके से पहले एक साइड रखना है, इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको जो है मिला करके रख लेना है। इसको रख लेने के बाद फिर यहाँ से इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर इसको इधर ले आना है। इधर ले आने के बाद फिर क्रॉप पर चले आना है और क्रॉप पे चले आने के बाद इधर चले आना है और इसको जो है यहाँ पे बीच में रख लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको भी जो है सेम इसी तरीके से यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर साइड में टच करना है और लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इस दोनों का ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर लेने के बाद फिर लेयर पर ओके करना है। इसके बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है शेप ले लेना है और इसको जो है इस तरीके से बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको थोड़ा सा और जो है छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद
इसका ये वाला कलर जो है सिलेक्ट कर लेना है। इस कलर को बनाने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर चले आना है। प्लस वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला इसको यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद ये और ये दोनों जो है इस तरीके से करेंगे तो ये कलर बन जाएगा। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पर चले आना है और इसको जो है इसके नीचे कर लेना है, इस जाली के नीचे कर लेना है। इसके बाद जो है फिर लेयर वाले ऑप्शन पे ओके करना है और इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है और स्ट्रोक पे चले आना है। स्ट्रोक पे चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद लाल कलर रख लेता हूँ। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसको 5 पे रख लिया, 6 पे। इसके बाद फिर डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इम्पोर्ट पर चले आना है। इम्पोर्ट पर चले आने के बाद यहाँ पे जो है आपको या रसूल अल्लाह और या अल्लाह लिखा है तो इसको ले लेना है, या अल्लाह को ले लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है, इस तरीके से छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर साइड में टच करना है और इम्पोर्ट पर चले आना है और यहाँ से जो है या रसूल अल्लाह इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको भी जो है छोटा कर लेना है, इस तरीके से इसको भी जो है इसी साइज़ में छोटा कर लेना है। और छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर इम्पोर्ट पे चले आना है। इम्पोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से ये लाइट दिख रहा है, इसको ले लेना है। इसको ले लेने के बाद इसको डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है और इसको जो है यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पर रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है और इसको जो है पर्दा के नीचे कर देना है और इसको भी जो है पर्दा के नीचे कर देना है और इस सब का ताला लॉक कर लेना है ताकि ये सब जो है इधर उधर ना घिसके। इसके बाद फिर लेयर वाले पे ओके करना है और साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर यहाँ पे ए वाले ऑप्शन पर चले आना है। ए वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पर आपको फिर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से एक कोई भी शेर लिख लेना है, तो मैं एक आला हज़रत का शेर लिख लेता हूँ। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इस शेर को लिख लिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है और इसका जो है कलर दे देना है, तो इसका कलर मैं लाल दे देता हूँ। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इधर चले आना है और यहाँ पे जो है ए बी फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। चले आने के बाद यहाँ से जो है एक फॉन्ट दे देना है। ये सब भी फॉन्ट आपको डाउनलोड करना हो तो आप मेरे बरकाती टेक टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम पर बहुत सारा फॉन्ट मिल जाएगा, तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉन्ट दे दिया है। इसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना है और इसका जो है साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है। कम कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। अगर इसका लाइन जो है कम ज़्यादा हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलगैन पे चले आना है। अलगैन पे चले आने के बाद इसको जो है बीच वाले पे ओके कर देना है। बीच वाले पे ओके करने के बाद इसको इनेबल कर देना है, तो आपका कोई शेड छोटा बड़ा होगा तो यहाँ से ये मिल जाएगा। इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद अगर चाहे आपके बीच में ज़्यादा स्पेस खाली हो या तो नीचे ठेक रहा हो तो इसको जो है इस तरीके से कर देंगे तो ये जो है स्पेस कम हो जाएगा। इसके बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद फिर इसका एक और कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर एडिट पे चले आना है। एडिट पे चले आने के बाद यहाँ पे एक और चीज़ मैं लिख लेता हूँ, तमाम आशिक़े रसूल को। यहाँ पे मैंने लिख लिया तमाम आशिकान रसूल को। इसके बाद ओके कर दिया। ओके कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पर रहने देना है और इसको जो है बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको यहाँ पर रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इधर चले आना है और यहाँ पे आपको जो है स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको उजला रख लेना है। इसके बाद इसको जो है डन कर देना है। डन कर देने के बाद फिर शेडो पे चले आना है। शेडो पे चले आने के बाद इसका शेडो दे देना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको उजला ही दे देना है। इसके बाद इसका जो है यहाँ पर नीचे आके इसको भी जो है इनेबल कर देना है तो ये थोड़ा और ज़्यादा बेहतर लगेगा। इसके बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन पे चले आना है, फिर इम्पोर्ट पे चले आना है। इम्पोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ पे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है तो इसको ले लेना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पर फिर आपको एडिज कलर दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो गया है। इसके बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है।
यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। थोड़ा सा और छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर यहाँ पे आशिक रसूल लिखा है, इस पर ओके करना है। फिर ए वाले पे चले आना है और इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद फिर एडिट पे चले आना है। एडिट पे चले आने के बाद यहाँ पे लिख लेना है मुबारक हो, इसको लिख लिया। इसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख देने के बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद ये वाला जो है इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के ये कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है। इस पर चले आने के बाद फिर यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके कर देना है तो ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी कर लेने के बाद इसको नीचे में रख लेना है। नीचे में रख लेने के बाद फिर बीच वाले ऑप्शन पर चले आना है। बीच वाले ऑप्शन पर चले आने के बाद फिर इधर चले आना है। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद ये इनेबल है ही है, इसका भी जो है लाल कलर दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद स्ट्रोक पे चले आना है। स्ट्रोक पे इसका जो है ये वाला कलर दे देना है, ब्लू वाला कलर दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद इसको भी जो है जाली के नीचे रख लेना है। इस तरीके से इसको जाली के नीचे रख लेना है। ये थोड़ा सा छोटा हो जा रहा है तो इसको बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है जाली के नीचे इस तरीके से रख लेना है। इसके बाद फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है और इस सब का जो है ताला लॉक कर देना है। फिर लेयर वाले पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर आपको बीच में टच करना है। बीच में टच करने के बाद इंपोर्ट पे चले आना है। इंपोर्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको ईद मिलादुन्नबी लिखा हुआ है, इसको ले लेना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद इसको छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रहने देने के बाद ये जश्न ईद मिलादुन्नबी थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो जश्न ईद मिलाद का ताला खोल देना है। इसके बाद इसको छोटा और कर देना है। और छोटा कर देने के बाद इसको इधर घिसका देना है। इसको इधर घिसका देना है। और इसके बाद मुबारक हो है, इसका भी मैं ताला खोल लेता हूँ। और इसके बाद इसको भी जो है इधर घिसका देता हूँ। इसके बाद इसको यहाँ पर अच्छे से रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इधर चले आना है। यहाँ पे आपको कलर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है फ़िल्टर थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद ब्राइट भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद जश्न ईद मिलादुन्नबी पे आना है और कलर फिल्टर में चले आना है और इसका भी जो है थोड़ा सा लाइट बढ़ा देना है, ब्राइट भी बढ़ा देना है। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये आपका ऊपर का काम मुकम्मल हो गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर वाले पे चले आना है और इस सब का ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद फिर साइड में टच करना है। साइड में टच करने के बाद फिर ए वाले ऑप्शन पे चले आना है और यहाँ पे टेक्स्ट पे चले आना है। टेक्स्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है आपको लिख लेना है मिन जानिब। इसके बाद यहाँ पर जो है ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका मैं पीला कलर दे देता हूँ। इसके बाद प्लस वाले पर चले आता हूँ, इसका मैं पीला कलर दे देता हूँ। पीला कलर दे देने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर ए बी फॉन्ट पे चले आना है। ए बी फॉन्ट पे चले आने के बाद यहाँ से जो है एक फॉन्ट दे देना है। तो ये सब फॉन्ट जो है मेरे पिक्सल लैब ऐप में पहले से मौजूद है। तो आपके पास ये वाला पिक्सल लैब ऐप होगा तो आपने भी ये ऐप में भी ये फॉन्ट वगैरह सब मिल जाएगा। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको जो है इधर घिसका देना है। इसको इधर घिसका देने के बाद एडिट पे चला आता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ देना मैं भूल गया, ये वाला दे देना है। इसके बाद ओके कर देना है। तो इसके बाद साइड में टच करता हूँ। साइड में टच करने के बाद फिर लेयर वाले पे चले आना है। लेयर वाले पे चले आने के बाद फिर यहाँ पे जो है हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, इस वाले पे ओके करना है। ये वाला जो कलम दिख रहा है इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद इसका जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसके कलम वाले पे ओके करना है। कलम वाले की पे ओके करने के बाद फिर यहाँ पे कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे मिन जानिब में जो भी हो, गांव के अहबाब हो या कमेटी हो, यहाँ पे मिन जानिब में उसको डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना नाम ही डाल लेता हूँ, अपने चैनल का नाम डाल लेता हूँ। अपना नाम डाल दिया, इसके बाद मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद फिर लेयर वाले पर ओके करता हूँ और इसके बाद इसको यहाँ पर रख लेना है। फिर इधर चले आना है। इधर चले आने के बाद कलर पे चले आना है और इसका जो है उजला कलर दे देना है। उजला कलर दे देने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा और साइज़ बड़ा कर देता हूँ तो इसको आप अच्छे से मिला करके रख लेंगे।
इस तरीके से आप मिला करके रख लेंगे। इसके बाद डन कर देना है। डन कर देने के बाद ये बैनर तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे सेव एज इमेज पे ओके करना है। सेव एज इमेज पे ओके करने के बाद कई लोगों के मोबाइल में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हाई क्वालिटी में जो है इमेज सेव नहीं हो पा रहा है। तो हाई क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट में अल्ट्रा का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। इस पर ओके करने के बाद फिर शेयर पे ओके कर देना है। तो आपका जो है HD क्वालिटी में बैनर या पोस्टर जो भी बनाएंगे सेव हो जाएगा। तो जैसे आप आसानी के साथ बैनर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।